पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पन्ना में चुनावी दफ्तर का उद्घाटन किया। वीडी शर्मा ने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत का लक्ष्य लेकर हर बूथ 370 वोट बढ़ाने का अभियान चला रहा है। कहा कि हमें अगले 10 दिन बूथ पर 2 घंटे का समय हर रोज देना है और पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस पूरे तरीके से मत जो मिले हैं चुनावों के अंदर उसमें 370 प्लस जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम प्रत्येक बूथ पर जीत का इतिहास बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त और जो तथाकथित लोग आ रहे हैं इनकी तो एंट्री नहीं होना है, तो कांग्रेस मुक्त बूथ बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतर के इस बार जीत का परचम फहराएंगे। बूथ पर प्रचंड बहुमत से अब जनता कितना ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देती है ये तो जनता, मुझे लगता है कि मन बना करके जनता ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार खजुराहो लोकसभा से भारी मतों से विजय दिला करके आशीर्वाद जनता देगी। इन्हें कोई बचा ही नहीं है, ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, जनता इन्हें बहुत गहराई से और बेहतर तरीके जानती है, इसलिए ये सब भाग रहे हैं और खजुराहो तो मैदानी। नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बंगला बगीचा समस्या पर बयान दिया। कहा कि बंगला बगीचा समस्या का समाधान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में किया गया था, जिसका लाभ 5000 वर्ग फीट तक के भूखंड के मालिकों को मिला है। और सीधे अब आपको ले चलते छत्तीसगढ़, जहां सीएम साय इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण और मंडल और बूथ तक और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आप सबने समय निकालकर आज गृह प्रवेश के उपलक्ष में जो कार्यक्रम यहाँ पर रखे हैं उसमें पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार को 3 महीना पूरा हो रहा है। 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए थे, आज 13 मार्च 2024 है, तो ठीक 3 महीना पूरा हुआ है, तो इसकी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई शुभकामनाएं सरकार के 3 महीना पूरा होने के अवसर पर। और हमारी पार्टी और हम सब लोगों का ये वादा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो 5 साल सरकार थी जिसमें हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, जिनका अधूरा था, उनका मकान अधूरा का अधूरा रह गया था, तो हम लोग की सरकार बनेगी तो पहले ऐसे वंचित लोगों का 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, तभी मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे, ऐसा वादा था। और आप सब लोगों के